ক্লিক করুন অ্যাপের বেল আইকনে আর সাবস্ক্রাইব করুন এবিপি আনন্দ। সব সময় থাকুন খবরে। ফিরে এলাম এক ঝলকের পর যে খবরে চোখ রাখবো, ধৃত করণ জোহর ঘনিষ্ঠকে জেরায় চাঞ্চল্যকর তথ্য। মুম্বাইয়ের বড় ড্রাগ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল ধৃত সিতিজের। সিতিজকে জেরায় সিনেমা জগতের আরো বেশ কয়েকজনের নাম, এনসিবির নজরে আরো কয়েকজন বড় তারকা। আমাকে ফাঁসানো হয়েছে দাবি করেছেন সিতিজ। আরো একবার আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, ধৃত করণ জোহর ঘনিষ্ঠকে জেরায় চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে। মুম্বাইয়ের বড় ড্রাগ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল ধৃত সিতিজে। আমরা বিস্তারিত জানবো। আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি দীপেশ ত্রিপাঠি। দীপেশ, সিতিজকে বয়ান মে আর ক্যা ক্যা ইনফরমেশন সামনে আ রহি হে? জি মাধুরী, সবসে বড়ি আর মহত্বপূর্ণ বাতে জো হ্যায় ও সামনে খুল কে আ রহি হ্যায়। क्षितिज पर जो आरोप लग रहे हैं कि क्षितिज के घर की जब सर्च ऑपरेशन की गई एनसीबी की ओर से, तो उनके घर से जो है वो गांजा मिला। भले वो छोटी मात्रा में था, लेकिन कुछ तो पुख्ता सबूत जो एनसीबी के लिए जरूरी होते हैं वो मिले। क्षितिज ने कुछ बड़े नामों के खुलासे किए हैं और क्षितिज का जो नाम है वो रकुलप्रीत ने भी अपने स्टेटमेंट में लिया था। और साथ ही क्षितिज प्रसाद जो है वो धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं। उसके पहले वो रेड चिलीज, जॉन इब्राहिम प्रोडक्शन हाउस और बालाजी टेलीफिल्म से भी जुड़े थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, आज क्षितिज ने पहली बार मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनको फंसाया गया है, उनके पास से कुछ भी नहीं मिला है और वो इसके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो क्षितिज की तरफ से निकल के मीडिया के लिए आई है वो ये है कि उन्होंने अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है। बहुत शुक्रिया।